जब दुनिया तुम पर और तुम्हारे काम पर हंसने लगे तो समझ जाना तुम बाकियों से अलग हो और कुछ अलग, एक बदलाव के साथ एक नए कल की शुरुआत जरूर करोगे। और कहानियों के जरिए एक ऐसे ही नए कल की शुरुआत हुई थी 1938 में। सो द फ्राइडे स्टोरी इज ऑन आउटस्पोकन अनअपोलोजेटिक इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई एक राइटर, एजुकेशनिस्ट और विमेन एम्पावरमेंट की चैंपियन थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से पली बड़ी इस्मत चुगताई की सोच आज की जनरेशन के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। उनकी लिटरेरी करियर की शुरुआत उनके एक शॉर्ट स्टोरी फसादी पब्लिश होने के बाद शुरू हुई और ये कहानी कुछ ऐसी निकली कि बहुत ही कम समय में जाने माने राइटर्स के बीच फेमस हो गई। 1940 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इस्मत चुगताई ने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया। इस एसोसिएशन को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपनी राइटिंग के जरिए औरतों के अधिकार, औरतों के हक के लिए लिखना शुरू कर दिया। लेकिन उस जमाने में ऐसी चीज़ों पर या ऐसे टॉपिक्स पर बात करना सोसाइटी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए जितनी तेज़ी से इस्मत चुगताई फेमस हुई उतनी ही तेज़ी से उनकी कहानियाँ क्रिटिसिज्म का शिकार हो गई। उनकी ऐसी ही एक कहानी थी लिहाफ। ये कहानी होमोसेक्सुअलिटी पर बेस्ड होने की वजह से इस्मत चुगताई जी को जेल तक जाना पड़ा। रीज़न, ऑब्सिनिटी। अपने आप को और अपनी लिखी कहानी लिहाफ को सही प्रूफ करने के लिए इस्मत जी को 4 साल लग गए और उनकी इसी मेहनत की वजह से शायद आज लिहाफ को इंडियन लिटरेचर में सबसे सुंदर कहानियों में से एक माना जाता है। एक ऐसी कहानी जो वुमनहुड या फेमिनिज्म पर नहीं बल्कि डिज़ायर और लॉन्गिंग पर बेस्ड है। कुछ समय के बाद इस्मत चुगताई जी बॉम्बे आ गईं और हिंदी फिल्म डायरेक्टर शाहिद लतीफ़ से शादी करने के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए सॉन्ग्स, स्क्रीन प्लेस, डायलॉग्स लिखना शुरू कर दिया। शी इवन वर्क क्लोजली विद स्टार्स लाइक देवानंद, किशोर कुमार एंड श्याम बेनेगल। इस्मत चुगताई जी के बारे में बात हो रही तो उनके सबसे करीबी दोस्त सादत हसन मंटो को कोई कैसे भूल सकता है। मंटो एक उर्दू राइटर थे और इस्मत जी की ही तरह मंटो भी शॉर्ट स्टोरी के जरिए कास्ट, जेंडर और इनइक्वालिटी जैसी टॉपिक्स पर लिखते थे और दोनों इस्मत जी और मंटो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप दोनों ने कभी एक दूसरे से शादी क्यों नहीं की, तब इस्मत जी ने कहा कि अगर हमने शादी करने की सोची होती तो दूसरों को हैरान करने से पहले हम खुद हैरान होकर डूब जाते और फिर होश में आने के बाद खुश नहीं बल्कि दुखी हो जाते। वेल, सोसाइटी एक तरफ और इस्मत जी और उनकी लिखी कहानियाँ एक तरफ, क्योंकि सोसाइटी की पुरानी सोच ना इस्मत जी को अच्छी लगती थी और ना ही सोसाइटी को इस्मत जी की मॉडर्न थिंकिंग अच्छी लगती थी। लेकिन फिर भी सोसाइटी के तानों से इस्मत जी और उनकी कहानियों में कभी कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि इस्मत जी का मानना था कि अगर राइटर्स और जर्नलिस्ट आज के समय, आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे और सिर्फ खुद के फायदे के लिए लिखेंगे तो उनके काम करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई भी काम अगर सही तरीके से नहीं होगी तो उसे करने का कोई फायदा नहीं। अपनी ऐसी ही मॉडर्न सोच वाले कहानियों की वजह से इस्मत चुगताई वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन 1976। हाँ, वो बात अलग है कि उन्हें सिर्फ राइटर नहीं बल्कि सीन राइटर कहा जाता था, लेकिन अपने कहानियों को मॉडर्न डे के लिए इम्पोर्टेंट बताने के लिए इस्मत चुगताई ने कहा, इन माय स्टोरीज आई हैव पुट डाउन एवरीथिंग विद ऑब्जेक्टिविटी। नाउ इफ सम पीपल फाइंड देम ऑब्सीन, लेट देम गो टू हेल। इट्स माय बिलीफ दैट एक्सपीरियंसेस कैन नेवर बी ऑब्सीन इफ दे आर बेस्ड ऑन ऑथेंटिक रियलिटीज ऑफ लाइफ। दिस वाज द रिप्लाई गिवन बाय फेमस उर्दू राइटर इस्मत चुगताई व्हेन सोसाइटी इज लेबल्ड हर स्टोरीज ऑब्सीन। वेल, इस्मत चुगताई जी की लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि अगर मन में कोई बात है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं तो लोग क्या सोचेंगे कि डर से उसे अपने मन में ना रखें, बल्कि लोगों को वो बात बताइए। शायद वो बात उस सिचुएशन या उस समय के हिसाब से लोगों को सही ना लगे, लेकिन शायद एक समय के बाद आपकी कही हुई वही बात किसी के लाइफ में एक बदलाव की तरह काम कर जाए। इस्मत जी ने भी वही किया। उनकी कहानी उस समय या उस जमाने के अकॉर्डिंग नहीं लिखी गई थी, लेकिन आज उनकी लिखी हुई वही कहानियाँ आज के जेनरेशन के लिए रेलेवेंट और रिलेटेबल हो गई है। इस्मत जी आज हम सब के बीच नहीं है, लेकिन उनकी मॉडर्न सोच और उनकी उसी सोच से लिखी हुई मॉडर्न कहानियाँ सच में आज के जेनरेशन के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। आप भी इस्मत चुगताई जी की लिखी हुई कहानियाँ गेंदा, घरवाली या लज्जो पढ़िएगा, लोगों को भी पढ़ाइएगा। और अगर किसी को पसंद ना आए तो मंटो की कही हुई एक बात याद रखिएगा कि अगर मेरी लिखी हुई कहानियाँ अच्छी नहीं लग रही, आपको पढ़ते वक्त बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो समझ जाइएगा कि ये जमाना ही बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कल इस्मत चुगताई जी का बर्थडे है, तो उनके इस बर्थ एनिवर्सरी पर उनके मॉडर्न थिंकिंग और मॉडर्न राइटिंग के लिए उनको थैंक यू बोलते हैं।